Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. आप देख लीजिए ना क्या हो रहा है, जिस प्रकार से ये दो दो मुख्यमंत्री जेलों में बंद हैं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संवैधानिक पदों पर आने के बाद में, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि के बाद में ऐसा कोई मर्डर कर दिया है या कोई ऐसा कोई क्राइम कर दिया है कि वो कोई भाग जाएगा या कोई प्रभावित कर देगा किसी को, आप बिना कोई प्रूफ के किसी ने गवाह दे दी और गवाह भी आपने दिलवाई है, आप नहीं देख रहे हैं। जिसको मेन मुलजिम को पकड़ा गया वो जेल में था, उसे 30 करोड़ रुपए ले लिए गए इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ले लिए गए और 4 दिन बाद में जमानत हो गई। उसी को आपने बनवा दिया अप्रूवल इनके खिलाफ में और मुख्यमंत्री जेल में। ये क्या हो रहा है देश के अंदर, ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं मीडिया से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि कृपा करके देश बहुत ही उस दिशा में जा रहा है जो बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, स्थिति बन गई देश के अंदर, लोगों के अंदर भावना आनी बहुत खतरनाक है और बहुत शुभ संकेत नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, 100 दिन पूरे होने वाले हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, ऐसी फेलियर सरकार मैंने कभी नहीं देखी। इस बार तो लोग जबान पे आ गया, हो क्या गया, हमारी स्कीमें बंद कर दी, लाभार्थी थे वो बहुत ही परेशान है, तनाव में है, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें, तो चारों ओर से लोगों में रिएक्शन है कि सरकार रिमोट से चल रही है। पहले मैंने कहा कि भाई चीफ सेक्रेटरी डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहा है, अब उनको इंस्ट्रक्शन दिल्ली से मिले होंगे, उसकी अपनी मजबूरी होगी मैं नहीं जानता, पर आज रिमोट कंट्रोल से चलना लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं, क्योंकि संविधान की शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री, मंत्री पूरी पावर उनको मिलती है संविधान के अंतर्गत, वो यूज करेंगे तभी तो गवर्नेंस कर पाएंगे।